गुड मॉर्निंग क्लास 10th BTC। सबसे पहले तो मैं लगभग 3-4 दिनों से वीडियो आपको आप तक नहीं पहुंचा पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो चुकी थी जिसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। खैर, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हुए और फिर नेत्र से रिलेटेड दृष्टि दोषों में दो महत्वपूर्ण दृष्टि दोषों की चर्चा की थी हम लोगों ने, जिसमें एक था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूर दृष्टि दोष। आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं बाबू जरा दृष्टि दोष। बाबू जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, हम लोग कहते हैं कि दो तरह के दृष्टि दोष हम लोग पढ़ चुके थे। आपको एक बार मैं याद दिला दूं, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा था दूर दृष्टि दोष। नाम के अपोजिट निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु खराब होता था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, अदरवाइज आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और दूर बिंदु में दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु खराब होता था, इसमें निकट बिंदु और दूर चला जाता था, 25 सेंटीमीटर होता था लेकिन 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता था और इसमें दूर बिंदु अनंत से नज़दीक आ जाता था। अब जरा दृष्टि दोष का मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों को ऐड कर दीजिए आ जाएगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, मतलब इसमें निकट बिंदु भी खराब, दूर बिंदु भी खराब। नज़दीक की वस्तु को भी आप नहीं देख पाइएगा, दूर की वस्तु को भी नहीं देख पाइएगा। नज़दीक की वस्तु कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर की वस्तु और दूर की वस्तु कहने का मतलब कि अनंत पर की वस्तु को आप नहीं देख पाइएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर पर नहीं रहकर दूर चला जाता है और दूर बिंदु अनंत पर नहीं रह करके नज़दीक चला आता है। मतलब दोनों तरह के दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। बाबू देखिए परिभाषा हमने कितना आसान दे रखा है कि नेत्र का वैसा दोष जिसमें न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे और न ही निकट के, निकट मतलब 25 सेंटीमीटर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, तो इसमें जो है दूर बिंदु अनंत की अपेक्षा निकट आ जाता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की अपेक्षा दूर चला जाता है। इसमें क्या होता है, तो निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से बाहर कटती हैं और दूर बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले ही कट जाती हैं। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं बाबू, इस चीज को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आप इसका डायग्राम देख पा रहे होंगे बाबू, ये निकट बिंदु है N, ठीक ना, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर पे होता है और इससे जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं जब लेंस के पास इसका अपवर्तन हो रहा है तो कटना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना के बाहर जाकर के कट रही हैं। और ये पैरेलल रेज आ रहे हैं, मतलब समानांतर किरणें आ रही हैं। कहाँ से आ रही बाबू, अनंत से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। तो क्या हो जा रहा है बाबू, अनंत से आने वाली किरणें को लेंस से अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद कटना चाहिए रेटिना पर लेकिन रेटिना के पहले ही कट जा रही हैं। मतलब निकट बिंदु से, निकट बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बना और दूर बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया। तो इस तरीके से इसमें दोनों तरह के दोष एक साथ उत्पन्न हो जा रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष भी, ठीक ना। इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी। हम लोगों ने एक विशेष पावर पढ़ा था नेत्र लेंस का, जिसके कारण वह अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल लेता है और फोकस दूरी को बदल करके प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। जिस क्षमता को हम लोग, इस स्पेशल क्षमता को हम लोग नाम देते थे समंजन क्षमता। यदि मानव नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाएगी तो जरा दृष्टि दोष हो सकता है और यह सामान्यतः बुजुर्गों में देखा जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता चला जाता है उसके शरीर के विभिन्न भागों की शक्ति क्षमताएं जो है घटती चली जाती हैं, इसी क्रम में समंजन क्षमताएं भी कमी आती है, इस दौरान उसे जरा दृष्टि दोष हो सकता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन जरा दृष्टि दोष जो है वो केवल अधिक उम्र के लोगों में होगा। और इसका उपयोग, इसका उपाय कैसे किया जाएगा, तो इसका उपाय द्विफोकसी लेंस, मतलब इसमें दो फोकस होगा। द्विफोकसी का मतलब दो फोकस,
दो फोकस में कौन कौन, मतलब इसमें दोनों लेंस एक साथ होंगे, उत्तल लेंस भी होगा जो दूर दृष्टि दोष को ठीक करेगा और अवतल लेंस भी होगा जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दोनों तरह के दृष्टि दोष होते हैं, दोनों तरह के दृष्टि दोष होते हैं, तो दोनों तरह के लेंसों का भी उपयोग किया जाता है। ये तीन दृष्टि दोष जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं बाबू, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, यही तीन दृष्टि दोष आपके सिलेबस में है। इसके अलावा हम लोगों ने और दोषों का नाम ले रखा था बाबू, अगर आपको याद है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। और भी कुछ दोषों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, देखा जाए ये तीनों के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अभी चार और दोष हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे अगले वीडियो में आप इन चारों दोषों के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे। तो अगले वीडियो मेरा कल अपलोड होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।